सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए bepclots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से e-lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बिहार सरकार के मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में। बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी अपने घर पर सुरक्षित होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। कर रहे हैं ना बच्चों? हाँ, पढ़ाई करना बहुत आवश्यक है, तो सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। और याद तो होगा ही आप सभी को क्या करना होता है एपिसोड देखने के बाद। एपिसोड देख लेने के बाद आपको अपने किताब से सवालों को हल करना होता है। तो अपना कॉपी और कलम ले लीजिए बच्चों और हो जाइए तैयार। हम शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, आज हम पाठ संख्या पद्धति का भाग 4 पढ़ेंगे। हमने हमारे पिछले वीडियो में पढ़ा था वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे परिमेयकरण, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। तो चलिए शुरू करते हैं परिमेयकरण से। जब हमें व्यंजक के हर में वर्गमूल वाला एक पद मिलेगा, तब हम उसे एक ऐसे तुल्य व्यंजक में लिखेंगे जिसका हर एक परिमेय संख्या हो, और इस रूपांतरित करने की क्रियाविधि को हम हर का परिमेयकरण कहते हैं। परिमेयकरण की परिभाषा कुछ इस प्रकार है। जब एक व्यंजक के हर में वर्गमूल वाला एक पद होता है, तब इसे एक ऐसे तुल्य व्यंजक में जिसका हर एक परिमेय संख्या है रूपांतरित करने की क्रियाविधि को हर का परिमेयकरण कहा जाता है। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। 1/2। हम यहाँ देख रहे हैं कि इस व्यंजक के हर में वर्गमूल वाला पद है। अब हम इसे ऐसे तुल्य व्यंजक में रूपांतरित करेंगे जिससे हमें हर में एक परिमेय संख्या मिले, जिसके लिए हम यहाँ 1/2 को गुणा और भाग करेंगे √2 से, जिससे हमें मिलेगा √2/2। और आप देख रहे हैं कि हर में एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार हमने 1/√2 के हर का परिमेयकरण किया। दूसरा उदाहरण हमने लिया है 1/√3 का। यहाँ पर भी हर में एक वर्गमूल वाला पद है जिसे हम अब रूपांतरित करेंगे जिससे कि हर में एक परिमेय संख्या मिले। हम 1/√3 को गुणा और भाग करेंगे 2/√3 से, यानी कि 2/√3 की संक्रिया बदलकर। यानी अगर संक्रिया जोड़ होगी तो हम घटा संक्रिया का प्रयोग करके गुणा और भाग करेंगे, और यदि संक्रिया घटा होगी तो हम जोड़ संक्रिया का प्रयोग करके गुणा और भाग करेंगे। आई हुई व्यंजक का सरलीकरण करने पर हमें मिल जाएगा 2√3/√2/√3, जिसे हल करने पर हमें मिल जाएगा 2√3/4/3, यानी कि 2√3/1। चलिए अब हम बढ़ते हैं वास्तविक संख्याओं के घातांक नियम की तरफ, पर उससे पहले यह जान लेते हैं कि घातांक क्या होता है और आधार क्या होता है। आप जो व्यंजक स्क्रीन पर देख रहे हैं उसमें 3 हमारा आधार है और 2 हमारा घातांक। चलिए अब हम कुछ प्रश्नों का सरलीकरण करके घातांक के नियमों को जानेंगे। हमारा पहला प्रश्न है 17^2 × 17^5। हमारा दूसरा प्रश्न है 5^2 × 7। तीसरा प्रश्न है हमारा 23/10/23/7। चौथा प्रश्न है हमारा 7^3 × 9/3।
तो चलिए अब हम एक एक करके इन प्रश्नों का सरलीकरण करते हैं। 17 की घात 2 को हम लिख सकते हैं 2 बार 17, और 17 की घात 5 को हम लिख सकते हैं 5 बार 17, जैसा कि यहाँ पर किया हुआ है। 17 की घात 2 × 17 की घात 5 का सरलीकरण करके हमें मिल जाएगा 17 की घात 7, और 17 की घात 7 को हम लिख सकते हैं 17 की घात 2 जोड़ 5, यानी कि 17 की घात 2 × 17 की घात 5 को हम लिख सकते हैं 17 की घात 2 जोड़ 5। यहाँ हमें हमारा पहला घातांक नियम मिलेगा, जो कुछ इस प्रकार है। a की घात p गुणे a की घात q, जो कि बराबर होगी a की घात p जोड़ q के। चलिए अब हम अपने दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि था 5 की घात 2 और उनके घात 7। 5 की घात 2 को हम लिख सकते हैं 5 × 5, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब हम 5 × 5 को 7 बार लिख देंगे, जिससे हमें मिलेगा 5 की घात 14, जिसे हम 5 की घात 2 × 7 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हमें हमारा दूसरा घातांक नियम मिलेगा, जो कुछ इस प्रकार है। a की घात p की घात q, जो कि बराबर होगा a की घात p गुणे q। अब हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की तरफ, जो कि था 23 की घात 10 × 23 की घात 7, जिसे हम लिख सकते हैं 10 बार 23 × 7 बार 23, जिसे हल करने पर हमें मिलेगा 3 बार 23, जिसे हम लिख सकते हैं 23 की घात 3। 23 की घात 3 को हम लिख सकते हैं 23 की घात 10 × 7। यहाँ हमें हमारा तीसरा घातांक नियम मिलेगा, जो कुछ इस प्रकार है। a की घात p बटे a की घात q, जो कि बराबर होगी a की घात p घटा q के। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे चौथे प्रश्न की तरफ, जो था 7 की घात 3 × 9 की घात 3। 7 की घात 3 को हम लिख सकते हैं 3 बार 7, और 9 की घात 3 को हम लिख सकते हैं 3 बार 9, जिसे हल करने पर हमें मिलेगा 7 × 9 × 7 × 9 × 7 × 9, जो कि हो जाएगा 63 × 63 × 63, यानी कि 63 की घात 3, जिसे हम 7 × 9 की घात 3 भी लिख सकते हैं। यहाँ हमें हमारा चौथा घातांक नियम मिलेगा, जो कुछ इस प्रकार है। a की घात p गुणे b की घात p, जो कि बराबर होगी a b की घात p के। आइए एक बार सभी नियमों को दोहराते हैं। a की घात p गुणे a की घात q, जो कि बराबर होगी a की घात p जोड़ q के। a की घात p की घात q, जो कि बराबर होगी a की घात p गुणे q। a की घात p बटे a की घात q, जो कि बराबर होगी a की घात p घटा q के। a की घात p गुणे b की घात p, जो कि बराबर होगी a b की घात p के। इन नियमों के प्रयोग से कुछ और नियम भी बने हैं। यदि a की घात 0 हो, तो उसका मान 1 हो जाएगा। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। 6 की घात 0, जिसका मान होगा 1, 11 की घात 0, जिसका मान होगा 1, 99 की घात 0, जिसका मान होगा 1, यानी किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो, तो उसका मान 1 हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरा नियम है 1/a की घात n, जो कि बराबर होगी 1/(n) के। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। 1/6 की घात 2 का मान होगा 6/(2). उसी प्रकार 1/11 की घात 5 का मान होगा 11/(5), इत्यादि। अब हमारा अगला नियम है nवी मूल a का, जो कि होगा 1/1/n के। चलिए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। 27 की 3वी मूल को हम लिख सकते हैं 27/1/3। 2 की 3वी मूल को हम लिख सकते हैं 2/1/3। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले नियम की तरफ, जो कि है 1/m/n को हम लिख सकते हैं 1/nवी मूल की घात m, और हम इसे
ए की घात एम का एनवे मूल भी लिख सकते हैं। तो ये सभी थे वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। आज के इस वीडियो में हमने सीखा परिमेयकरण, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। हम हमारी अगली वीडियो में पढ़ेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज जो हम अध्याय करने जा रहे हैं उसका नाम है गति, और आज हम इसका पांचवा भाग करेंगे। तो इस भाग में हम जानने वाले हैं ग्राफ के बारे में, और इसमें हम जानेंगे कि गति का ग्राफीय प्रदर्शन कैसे होता है। तो इससे पहले चलिए जानते हैं कि ग्राफ कितने प्रकार के होते हैं। तो ग्राफ तीन प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार होता है दूरी समय ग्राफ, दूसरा होता है वेग समय ग्राफ, और तीसरा होता है त्वरण समय ग्राफ। परंतु आपको तीनों के बारे में नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ ऊपर के दो पढ़ने हैं, क्योंकि त्वरण समय ग्राफ जो है वो आपकी बुक में नहीं दिया हुआ और इसके बारे में सवाल नहीं आते, तो इसलिए आपको सिर्फ ऊपर के दो ग्राफ पढ़ने हैं। पर ग्राफ पढ़ने के लिए ये भी तो पता होना चाहिए ना कि मोशन यानी कि जो गति है वो किस प्रकार की है। तो हम तीन तरह की गति का ग्राफ बनाएंगे। पहला तो है जहां पर जो वस्तु है वो स्थिर होगी, दूसरा जहां पर वस्तु एक समान गति से आगे चलेगी, और तीसरा है एक समान त्वरण जहां पर वस्तु का त्वरण एक समान होगा। तो शुरुआत करते हैं स्थिर से। तो स्थिर में क्या होगा कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है या फिर जो वस्तु है वो मूव नहीं करेगी। तो इसके लिए मान लीजिए कि एक कार थी जो 40 किलोमीटर चली और उसके बाद जाकर रुक गई। तो सबसे पहले हम इसका बनाएंगे दूरी समय ग्राफ। अब हम ये जानते हैं कि वो 40 किलोमीटर चल चुकी है, तो मान लीजिए ये जो पॉइंट है ये 40 किलोमीटर को दर्शाता है। तो अब गाड़ी 40 किलोमीटर चलने के बाद रुक चुकी है,
तो मतलब दूरी और ज्यादा नहीं बढ़ेगी, परंतु समय तो बढ़ता रहेगा ना। उदाहरण के लिए अगर 5 मिनट बीत जाता है, उसके बाद भी जो हमारी कार होगी वो जिस पॉइंट पे थी उसी पॉइंट पे रहेगी। 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद कार तो चल ही नहीं रही। तो यानी कि जो कार है वो उसी दूरी पे रहेगी, परंतु समय बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह की एक सीधी रेखा बनेगी जो समांतर होगी समय के। अगर हम स्थिर वस्तु का वेग समय ग्राफ बनाए तो हम ये जानते हैं कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो उसका वेग 0 होगा, क्योंकि वेग क्या होता है, विस्थापन अपॉन में समय। अब क्योंकि यहाँ पर विस्थापन हो ही नहीं रहा क्योंकि वस्तु चल ही नहीं रही, तो उसका वेग क्या आ जाएगा, 0। मतलब कि वेग कहाँ पर होगा, यहाँ पर, और समय तो फिर भी बढ़ेगा, तो इसलिए एक सीधी रेखा बनेगी जो समय के ऊपर होगी। चलिए आप जानते हैं एक समान गति का ग्राफ कैसे बनेगा। तो एक समान गति में पहले देखते हैं दूरी समय ग्राफ कैसे बनेगा। अब हमारी वस्तु पहले कहाँ पे थी, 40 किलोमीटर पे। मान लीजिए अब वो एक समान गति से आगे बढ़ रही है, तो कुछ समय बाद वो थोड़ा सा आगे बढ़ती है। अगर उतना ही समय और बढ़ेगा तो जितना आगे बढ़ी थी उतना ही और आगे बढ़ेगी, क्योंकि हम जानते हैं एक समान गति में क्या होता है कि अगर 1 सेकंड में कोई वस्तु 1 मीटर बढ़ी है तो अगले सेकंड में भी 1 मीटर ही बढ़ेगी। तो इसमें जिस तरह से टाइम बढ़ेगा, धीरे धीरे हमारा जो दूरी है वो भी बढ़ता जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर एक सीधी रेखा बनेगी जो ऊपर की तरफ मुड़ी हुई होगी, यानी कि एक सीधी रेखा जो थोड़ी टेढ़ी होगी और ऊपर की ओर जा रही होगी, और ये हमें बताता है एक समान गति का दूरी समय ग्राफ। चलिए देखते हैं कि इसका वेग समय ग्राफ कैसे बनेगा। तो वेग समय ग्राफ में यहाँ पर हम जानते हैं कि एक समान गति है, यानी कि गति बदल नहीं रही, या फिर वेग कह लीजिए तो वेग बदल नहीं रहा। तो मान लीजिए उसका वेग था 40 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर क्या होगा, समय बढ़ेगा परंतु वेग 40 किलोमीटर पर आवर ही रहेगा। तो जैसा कि हमारा स्थिर गति में दूरी समय ग्राफ बना था, ऐसा ही हमारा एक समान गति में वेग समय ग्राफ बनेगा, क्योंकि वेग बदल ही नहीं रहा। तो जब वो बदल ही नहीं रहा तो वो उसी पोजीशन पे रहेगा, और इसलिए एक सीधी रेखा बनेगी जो समय के समांतर होगी। चलिए देखते हैं तीसरा ग्राफ, जो कि है एक समान त्वरण का ग्राफ। अब यहाँ पर अगर हम दूरी समय ग्राफ की बात करें तो यहाँ पर मान लीजिए ऑब्जेक्ट अभी भी 40 किलोमीटर पे है। अब थोड़ा सा समय बढ़ेगा तो वस्तु थोड़ा आगे जाएगी, परंतु इस बार क्या होगा, अगर उतना ही समय फिर से बढ़ाएं तो वस्तु जितना आगे गई थी इस बार उससे ज्यादा आगे जाएगी, क्योंकि वस्तु का त्वरण हो रहा है तो उसकी गति बढ़ रही है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वस्तु पहले जितना चली थी उससे और ज्यादा चलने लगेगी, और इसलिए क्या होगा कि जो हमारा ग्राफ बनेगा वो एक कर्व बनेगा जो कि ऊपर की तरफ मुड़ रहा होगा। तो ये हमारा दूरी समय ग्राफ होता है एक समान त्वरण का। अगर हम एक समान त्वरण का वेग समय ग्राफ बनाए तो हम जानते हैं कि त्वरण एक समान गति से बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे त्वरण बढ़ेगा, और इसलिए एक सीधी रेखा बनेगी जो ऊपर की तरफ मुड़ी हुई होगी। तो ये हमारा वेग समय ग्राफ होगा। अब ग्राफ के ऊपर सवाल भी बहुत आते हैं, तो चलिए देख लेते हैं एक सवाल। तो सवाल ये है कि दूरी समय ग्राफ दिया हुआ है दो वस्तु का, ए और बी, और हमसे पूछा हुआ है दोनों में से किसका वेग ज्यादा है। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं दोनों ने बराबर दूरी तय करी है, परंतु बी को इस दूरी को तय करने में ए से कम समय लगा है। तो क्योंकि उसे कम समय लगा है, यहाँ पर जो बी है उसकी वेग ज्यादा होगी। अब यहाँ पर ग्राफ खत्म हो जाता है। अब हमें जानना है कि जो गतिज 3 समीकरण हमने पहले पढ़े थे उन्हें ग्राफ से कैसे निकालना है। अब ये एग्जाम में ज्यादातर पूछे नहीं जाते क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा टफ है, परंतु अगर आप इन्हें समझ लेंगे तो आपको ये अध्याय बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसे जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम इसके लिए एक वेग और समय का ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि वेग और समय के ग्राफ से ही हम गतिज समीकरण, तीनों के तीनों समीकरण निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु थी जो u वेग से जा रही थी, बाद में उसका वेग v हो गया, कुछ एक्सेलरेशन लगा, इसमें कुछ टाइम लगा, और जो डिस्टेंस कवर हुआ वो था ए से बी, जिसे हमने एस नाम दिया। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जब टाइम 0 था तो वस्तु का वेग कितना था, u। तो मान लीजिए वस्तु का वेग यहाँ पर कुछ था। अब वेग आगे जाकर बढ़ गया, परंतु वेग बढ़ने में कुछ समय भी लगा होगा, इसलिए थोड़ा सा समय बढ़ा और थोड़ा सा वेग बढ़ा। तो ये हमारा ए बी हो गया। अब
यहाँ पर जो समय लगा है वो है ओ और ये वाला डिस्टेंस, और यहाँ पर कुछ समय लगा होगा जिसे हम कहेंगे टी। अब यहाँ पर जो हमारा पूरा का पूरा मोशन है ये दिखाया गया है, तो यहाँ पर चलिए इनको नाम दे देते हैं जिससे हम सारी चीजों को अच्छे से बता सकें। ये हमारा हो जाएगा यू, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा वी, इस वाले पॉइंट को हम कहते हैं सी और इस वाले को कहते हैं डी। और एक पॉइंट और जान लीजिए कि अगर हम इस ग्राफ का एरिया निकालते हैं तो इस ग्राफ के एरिया से हमें दूरी का पता लगता है। चलिए इस ग्राफ को अब रखते हैं साइड में और निकालते हैं गतित समीकरण ग्राफ की मदद से। तो पहले समीकरण के लिए हम एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण की परिभाषा देखेंगे। तो उसकी परिभाषा थी अंतिम वेग माइनस में प्रारंभिक वेग अपॉन में समय। अब यहाँ पर सीधा v माइनस यू अपॉन में t नहीं लिख दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें सारा डाटा कहाँ से लेना है, ग्राफ से। तो अंतिम वेग कितना है, यहाँ पर हमारा अंतिम वेग है b से d तक की दूरी, तो bd। माइनस में प्रारंभिक वेग कितना है, o से a तक की दूरी, और समय कितना है, o से d तक की दूरी। अब हम यहाँ पर वैल्यू डाल देंगे तो वैल्यू आ गई। अब इसके बाद तो हमें जानते ही है कि सॉल्व कैसे करना है, जैसे हमने इक्वेशन में सॉल्व किया था, t को ले जाएंगे a की तरफ और u को ले जाएंगे उसी तरफ, हमें पहला समीकरण मिल जाएगा v बराबर में u प्लस में at। चलिए अब निकालते हैं दूसरा समीकरण, परंतु हम जानते हैं दूसरे समीकरण के लिए हमें s चाहिए यानी कि पूरा का पूरा दूरी, और दूरी किससे निकलती है, इस ग्राफ के एरिया से। अब हम ये जानते हैं कि इस ग्राफ में दो शेप है, पहला तो ये ऊपर वाला ट्राइंगल ABC और उसके बाद दूसरा रेक्टेंगल जो कि है ACDO। तो अब हमें इन दोनों का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू में बेस जो कि है AC इंटू में हाइट जो कि है BC, प्लस में रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ हो जाएगी AO गुना में ब्रेथ हो जाएगी OD। अब यहाँ पर हम वैल्यूज डाल देंगे, वैल्यू डालेंगे तो क्या आ जाएगा, AC की वैल्यू हो जाएगी T, BC की वैल्यू हो जाएगी B माइनस में U, AO की वैल्यू हो जाएगी U और OD की वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस v माइनस यू की वैल्यू पुट करेंगे। तो v माइनस यू की वैल्यू किससे हम निकालेंगे, हमने अभी अभी जो समीकरण निकाला था v बराबर में u प्लस at उससे। u को हम ले आएंगे v की तरफ, तो v माइनस यू कितना आ जाएगा, at। अब इसको डाल दीजिए v माइनस यू की जगह पे, तो क्या हो जाएगा, s बराबर में हाफ गुने में t गुने में at प्लस में u इंटू में t। तो यहाँ पर at और t मल्टीप्लाई होने पे at स्क्वायर मिलेगा, और प्लस में u और t मल्टीप्लाई होकर ut मिलेगा। अब अगर आप हाफ at स्क्वायर प्लस ut लिखे या ut प्लस हाफ at स्क्वायर, बात तो वही है। तो इस तरह से हमारा पहला समीकरण आ जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरा समीकरण कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए भी हम क्षेत्रफल का इस्तेमाल ही करेंगे, परंतु इस बार हम क्या करेंगे, ट्राइंगल और रेक्टेंगल का अलग एरिया ना निकाल के इस बार हम पूरे ट्रेपीजियम का एरिया निकालेंगे। तो ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, दोनों साइड को जोड़ देते हैं और हाइट से गुना कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला साइड है AO और दूसरा साइड है BD, और हाइट कितनी है इसकी, OD। तो चलिए इसकी वैल्यू डाल देते हैं जल्दी से, AO की वैल्यू है U, BD की वैल्यू है V और OD की वैल्यू है T। अब T की वैल्यू क्या थी, V माइनस यू अपॉन में A। हमने इक्वेशन में भी क्या किया था, इससे सॉल्व किया था जब हमने T की वैल्यू डाल दी थी, तो यहाँ पर भी हम T की वैल्यू डाल देंगे। S बराबर में हाफ u प्लस v पहले से था और t की वैल्यू आ जाएगी v माइनस यू अपॉन में a। नीचे से 2a को हम ले जाएंगे s की तरफ, तो हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी, u प्लस v गुने में v माइनस यू। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये a प्लस b गुने में a माइनस b का फॉर्म बन रहा है जिससे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आता था, तो हमारे पास समीकरण आ जाएगा 2as बराबर में v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर। अब इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में हमने क्या सीखा। सबसे पहले हमने जाना ग्राफ और उसके बाद हमने जाना गति का ग्राफीय प्रदर्शन कैसे किया जाता है। तो इसके बारे में आप अपनी एनसीईआरटी के गति वाले अध्याय में पढ़ सकते हैं, जहाँ पर आपको पढ़ना है दूरी समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ और गति का ग्राफीय प्रदर्शन। अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक समान वृत्तीय गति के बारे में, और उसके बाद हम कुछ सवालों को भी सॉल्व करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद। डेली क्विज क्वेश्चन नंबर 1, ग्राफ के अनुसार वस्तु की गति किस प्रकार की है। ऑप्शन ए एक समान त्वरण,
ऑप्शन बी एक समान गति, ऑप्शन सी असमान त्वरण, ऑप्शन डी असमान गति। क्वेश्चन नंबर दो, ग्राफ के अनुसार वस्तु की गति किस प्रकार की है? ऑप्शन ए एक समान त्वरण, ऑप्शन बी एक समान गति, ऑप्शन सी असमान त्वरण, ऑप्शन डी असमान गति। क्वेश्चन नंबर थ्री, ग्राफ के अनुसार किसकी गति ज्यादा है? ऑप्शन ए ए, ऑप्शन बी बी, ऑप्शन सी ए और बी की गति बराबर है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर फोर, वेग समय ग्राफ से दूरी का पता डैश से लगाया जा सकता है। ऑप्शन ए एक्स अक्ष, ऑप्शन बी वाई अक्ष, ऑप्शन सी क्षेत्रफल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर फाइव, ग्राफ के अनुसार वस्तु का त्वरण क्या है? ऑप्शन ए 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन सी ऋणात्मक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर वन ए, क्वेश्चन नंबर टू बी, क्वेश्चन नंबर थ्री बी, क्वेश्चन नंबर फोर सी, क्वेश्चन नंबर फाइव ए। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बहुपद। तो आज की इस वीडियो में हम बहुपद का पार्ट वन पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं पार्ट वन में कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे हम। भूमिका, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। तो चलिए देखते हैं कुछ परिभाषाएं। बहुपद की घात, बहुपद की घात क्या होती है? चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात बहुपद px की घात कहलाती है। एक उदाहरण देखते हैं। यह है एक बहुपद, इसमें पहले पद की घात है 2, दूसरे पद की घात है 3, तीसरे पद में x पर कोई घात नहीं है यानी कि 1, तथा चौथे पद में घात है 5। अगर हम इस घात को बढ़ते हुए क्रम में लिखें तो 1, 2, 3 तथा 5, यानी इन सभी संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या 5 है, यानी इस बहुपद की घात है 5। चलिए दूसरी परिभाषा देखते हैं, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? घात 1 के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। उदाहरण देखिए, 2x जमा 1 घटा 4x जमा 6, 2 घटे में 3x, 2 बटे 3x माइनस का 1। तो आप देख सकते हैं इन सभी में x की घात 1 है, यानी ये सारे रैखिक बहुपद के उदाहरण हैं। अगला देखते हैं द्विघात बहुपद। घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। उदाहरण, x का वर्ग जमा 2x जमा 1। यहाँ आप देख सकते हैं पहले पद में घात 2 है, दूसरे पद में घात 1 है और तीसरे पद में घात 0 है, यानी सबसे बड़ी घात है 2। तो इस बहुपद की घात 2 है, इसीलिए हम इसको द्विघात बहुपद कहेंगे। इसी प्रकार घटा 4x जमा 6 माइनस 2x का वर्ग एक द्विघात बहुपद है। इसी प्रकार 3x का वर्ग घटा 2 घटा 3x एक द्विघात बहुपद है। अब देखते हैं px का x बराबर k पर मान से क्या अर्थ है। यदि px x में कोई बहुपद है और k कोई वास्तविक संख्या है, तो px में x को k से प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त वास्तविक संख्या px का x बराबर k पर मान कहलाती है और इसे हम pk से निरूपित करते हैं। यानी px एक बहुपद है और अगर मैं px में हर एक x की जगह पर k को प्रतिस्थापित करूं, तो जो मान आएगा उसको हम कहते हैं px का
x बराबर k पर मान और इसको हम pk से निरूपित करते हैं। बहुपद px का शून्य। ऊपर वाले परिभाषा में अगर pk का मान शून्य आ जाए तब वास्तविक संख्या k बहुपद px का शून्य कहलाती है। बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। अभी हमने बहुपद के शून्य की परिभाषा देखी है, तो अब हम देखते हैं कि एक बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। तो ज्यामितीय अर्थ जानने के लिए पहले हमें उस बहुपद का ग्राफ बनाना होगा। तो जैसे इस चित्र में ग्राफ y बराबर 2x जमा 3 का है, यानी जो बहुपद है वो x में है। इसीलिए इस बहुपद का वक्र x एक्सिस को यानी x अक्ष को जहां पर कट करेगी वो उसका शून्यक होगा। यानी इस बिंदु पर यह वक्र x एक्सिस को कट करती है, तो यहाँ के निर्देशांक है -3/2, 0। तो इसमें जो x का निर्देशांक है वह इस बहुपद का शून्यक है, यानी इस बहुपद का एकमात्र शून्यक है -3/2। और क्योंकि ये लाइन सिर्फ एक जगह पर x एक्सिस को काट रही है इसलिए सिर्फ एक शून्यक है। चलिए अगला ग्राफ देखते हैं। इसमें भी बहुपद x में है, तो अब हम देखेंगे कि ये जो वक्र है वो x अक्ष को कहां पर कट करती है। तो आप देख सकते हैं ये वक्र x एक्सिस को दो जगहों पर कट करती है, यानी इसके दो शून्यक होंगे। अब वो बिंदु कौन से हैं? तो ये दोनों बिंदु हैं जिसके निर्देशांक है -1, 0 और x का मान है -1, यानी एक शून्यक तो इसका हो गया -1। दूसरे शून्यक की बात करें तो दूसरे बिंदु के निर्देशांक है 4, 0 जिसमें x के निर्देशांक है 4, यानी दूसरा शून्यक है 4। तो -1 और 4 इस बहुपद के शून्यक है। चलिए तीसरा ग्राफ देखते हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं जो वक्र है वो x अक्ष को कहीं पर भी नहीं काटती है, इसीलिए इसका कोई भी शून्यक नहीं है। आशा है आपको बने हुए ग्राफ में से शून्यकों की संख्या तथा शून्यक का मान निकालना समझ आ गया होगा। इस वीडियो में हमने सीखा बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। धन्यवाद। डर से नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है, रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है, सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है, डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रखेंगे 2 गज की दूरी, सबको पौष्टिक आहार खिलाएंगे, बच्चों और बूढ़ों का करेंगे ख्याल, रोगी नहीं रोग से लड़ कोरोना को हराएंगे। स्वास्थ्य केंद्र फिर से खुल गए जिनका लाभ उठाना है, रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है, सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है, डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार।
नमस्कार दोस्तों, आज हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का पांचवा और आखिरी भाग करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि इस भाग में हम क्या जानने वाले हैं। इस भाग में हम बात करेंगे रेडॉक्स अभिक्रियाओं की। जैसा कि हमने इससे पहले वाले पार्ट में जाना था कि जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो पांच तरह की होती हैं। अगर आपको याद हो तो उसमें जो पांचवी अभिक्रिया थी वो थी अपचयन एवं उपचयन। दरअसल रेडॉक्स अभिक्रियाएं वो अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें अपचयन और उपचयन एक ही समय पर होता है। चलिए इसका उदाहरण देख लेते हैं जिससे कि बात थोड़ी और अच्छे से समझ आ जाएगी। रेडॉक्स अभिक्रियाएं के दो भाग होते हैं, एक होता है उपचयन और दूसरा होता है अपचयन। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम बात करते हैं कॉपर ऑक्साइड की। कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया करता है तो उससे हमें कॉपर मिलता है और उसके साथ साथ हमें वाटर मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हम कॉपर की बात करें तो कॉपर से ऑक्सीजन अलग हो गया है तो ये अपचयन हुआ, और हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया है तो ये उपचयन हुआ। यहाँ पर अगर हम बात करें अपचयन की तो अपचयन की अभिक्रिया होगी कॉपर ऑक्साइड से कॉपर का बनना। वहीं उपचयन की बात करें तो उपचयन अभिक्रिया होगी हाइड्रोजन गैस का वाटर में बदलना। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रियाएं में दोनों अभिक्रिया एक ही समय पर होती है। चलिए कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। जिंक ऑक्साइड जब कार्बन के साथ अभिक्रिया करता है तो इससे हमें मिलता है जिंक और कॉपर मोनोऑक्साइड। यहाँ पर अगर आप देखें तो जिंक से ऑक्सीजन अलग हो गया है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ जिंक का अपचयन हुआ है। वहीं कार्बन की बात करें तो उसमें ऑक्सीजन जुड़ गई है तो हम कहेंगे कि कार्बन का उपचयन हुआ है। दूसरा उदाहरण है जहां पर MnO2 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अभिक्रिया हुई है। वहां पर जो मैग्नीज है उसमें क्लोरीन जुड़ा है और ऑक्सीजन अलग हो गया है तो मैग्नीज का अपचयन हुआ है। वहीं हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों का ही उपचयन हुआ है। चलिए अब बात करते हैं कुछ दैनिक जीवन में रेडॉक्स अभिक्रिया की। हमारे आसपास बहुत सी ऐसी अभिक्रियाएं हैं जो रेडॉक्स होती हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए देखें तो आयरन में जंग लगना, या फिर आपने देखा होगा कि जब हम सेब को काट कर कुछ देर के लिए रख देते हैं तो उसके ऊपर एक भूरे रंग की परत आ जाती है, ये भी एक रेडॉक्स अभिक्रिया ही है। हम सांस लेने की बात करें या फिर पौधों का प्रकाश संश्लेषण, ये भी रेडॉक्स के ही उदाहरण हैं। अगर हम रेडॉक्स से जुड़े हुए उद्योगों की बात करें तो दवाइयाँ बनाने के लिए या फिर कई सारे उद्योगों में, यहाँ तक कि धातुकर्मीय क्षेत्रों में और कृषि में भी रेडॉक्स का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रियाएँ हमारे लिए ज़रूरी हो जाती हैं, पर इनसे कुछ हानियाँ भी होती हैं। चलिए उनके बारे में जान लेते हैं। जानते हैं उपचयन के कारण दैनिक जीवन में जो प्रभाव पड़ते हैं उनके बारे में। सबसे पहला प्रभाव जो उपचयन के कारण होता है वो है संक्षारण का। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल या आर्द्रता आदि के संपर्क में आता है तब ये संक्षारित हो जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब संक्षारण के बारे में तो आप जानते ही हैं। अब बात कर लेते हैं जंग की। लोहे की वस्तुओं के संक्षारण को जंग कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि संक्षारण तो सभी धातुओं का होता है तो फिर लोहे के संक्षारण को इतना अलग नाम क्यों दिया गया है। इसका कारण ये है कि जो लोहे का संक्षारण होता है वो बाकी धातुओं के संक्षारण से थोड़ा अलग होता है। लोहे का जब संक्षारण होता है तो उसकी एक पतली परत बन जाती है जो फिर बाद में लोहे से अलग हो जाती है। इससे होता क्या है कि नए लोहे की जो सतह होती है वो वापस ऊपर आ जाती है और इससे उसका फिर से संक्षारण हो जाता है और इस कारण धीरे धीरे लोहा खत्म होने लग जाता है। दरअसल इससे बहुत परेशानियां होती हैं। संक्षारण के कारण
कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग और जहाज तथा विशेषकर लोहे से बनी हुई जितनी भी वस्तुएं हैं उनकी क्षति होती है। लोहे का इस्तेमाल कई जगहों पे किया जाता है, ये तो हम जानते ही हैं। लोहे का इस्तेमाल औजार बनाने के लिए किया जाता है और हमारी जो मशीनें होती हैं वो भी लोहे से बनती हैं। अब जो जंग लगता है उनके कारण हमें हर साल इन लोहे को बदलना पड़ता है और क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने के लिए बहुत सारा पैसा हर वर्ष खर्च होता है। तो अब ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर हम इन्हें जंग से बचा किस तरीके से सकते हैं। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए कई सारे तरीके हैं, जिनमें से पहला है सतहों पे पाउडर की कोटिंग। अब इससे क्या होता है कि जो लोहे की सतह है वो वातावरण से अलग हो जाती है, क्योंकि बीच में पाउडर की एक कोटिंग आ जाती है और इससे क्या होता है कि जंग नहीं लगता। दूसरा तरीका है धातु की सतहों पर तेल लगाना। इससे भी यही होता है, जो धातु है वो वातावरण के संपर्क में नहीं आता और संक्षारण नहीं हो पाता। तीसरा तरीका है गैल्वनीकरण का। लोहे या स्टील की वस्तुओं पर जस्ता यानी कि जिंक की एक सुरक्षात्मक कोटिंग चढ़ा दी जाती है। इससे भी यही होता है कि जो हमारा लोहा या स्टील है वो वातावरण के संपर्क में नहीं आता और उसमें जंग नहीं लगती। अब दूसरा प्रभाव जो उपचयन के कारण होता है वो है विकृत गंधता। भोजन का खराब होना या फिर उसका उपभोग के लिए अनुपयुक्त और अवांछनीय हो जाना विकृत गंधता कहलाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, खाना कुछ समय बाद खराब हो जाता है, इसी को विकृत गंधता कहा जाता है। उपचयित होने पर तेल एवं वसा विकृत गंधी हो जाती है तथा उनके स्वाद और गंध बदल जाते हैं। इसी के साथ साथ उपचयन के कारण जो भोजन के पोषक तत्व हैं उनमें भी कमी आ जाती है। तो अब ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर भोजन को उपचयन से किस तरीके से बचाया जा सकता है। इसके कुछ तरीके हमें मालूम हैं, जैसा कि सबसे पहला है प्रतिऑक्सीकारक। प्रतिऑक्सीकारक तैलीय तथा वसायुक्त खाद्य सामग्रियों को उपचयन होने से रोकता है। दूसरा तरीका है वायुरोधक बर्तनों में खाद्य सामग्री को रखना। वायुरोधक होने के कारण जो ये वस्तुएं होती हैं वो खाद्य सामग्री को वातावरण से दूर रखती हैं। अब जब जो खाद्य सामग्री है वो वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आता तो उन खाद्य पदार्थ के जो तैलीय पदार्थ होते हैं उनका उपचयन नहीं हो पाता। हम ये जानते हैं कि उपचयन ऑक्सीजन के कारण होता है, तो अगर हम ऑक्सीजन को ही हटा दें तो भी खाद्य सामग्री को उपचयन से बचाया जा सकता है, जैसा कि चिप्स के पैकेट में किया जाता है। हम क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को हटाकर वहां पर सिर्फ नाइट्रोजन रख देते हैं। जो खाद्य सामग्री है वो नाइट्रोजन से अभिक्रिया नहीं करती और खराब नहीं होती। तो ये अध्याय यहीं पर खत्म होता है। हम जान लेते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या जाना। हमने इस वीडियो में रेडॉक्स अभिक्रियाओं के बारे में जाना और ये जाना कि वो हमारे दैनिक जीवन को किस तरह प्रभावित करती हैं। धन्यवाद।
अरे भाई राजू, क्या? अरे सुने कि कल चाचा कुछ बता रहे थे, क्या बोल रहे थे? हाँ, चाचा कल बहुत बढ़िया बात बता रहे थे। कह रहे थे कि हम लोगों को अपने बच्चा लोग के पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए। सिर्फ स्कूल भेजने से कुछ नहीं होता। बात तो ठीक है, लेकिन हम लोग ये करेंगे कैसे? हम लोगों को तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। हम भी यही सोच रहे थे। अरे वो देखो, मास्टर साहब भी सही टाइम पे आ गए। चलो उन्हीं से पूछ लेते हैं। मास्टर साहब प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मास्टर साहब, आपसे एक बात का जानकारी लेना था। हाँ पूछिए। अब हम लोग तो ठहरे कम पढ़े लिखे आदमी, लेकिन हम लोग का बच्चा लोग स्कूल में जाके क्या करता है, क्या सीखता है, क्या पढ़ता है, ये हम लोग कैसे जानेंगे? होता आसान हो। अच्छा? अच्छा कैसे? चलिए आप लोग स्कूल में, हम बताते हैं। जी हाँ, जी चलिए जी सर, चलिए चलो चलो। हाँ हाँ चलिए। हाँ हाँ मीठा लेते हैं। आइए, ये देखिए, ये है क्लास 3 का अधिकम प्रतिफल पोस्टर। इसका मतलब है यदि आपका बच्चा वर्ग 3 में पढ़ता है तो उसे इस पोस्टर में जो लिखी गई सारी चीजें उसे जानकारी होनी चाहिए। यह क्या है? पक्षी। और यह क्या है? पेड़। यानी कि तीसरी कक्षा समाप्त होते होते आपका बच्चा पशु, पक्षी, फूल, पत्ती आदि के बारे में सीख जाएगा। हर क्लास और हर विषय के लिए अधिगम प्रतिफल पोस्टर बनाए गए हैं। आइए कुछ दूसरे तरीके जानते हैं। जी सर। ये देखिए, ये है हमारे बच्चों की कॉपियाँ और ये है सही का निशान। इसका मतलब है कि इस प्रश्न का उत्तर आपके बच्चे ने बिल्कुल सही दिया है। जितना ज़्यादा होंगे ये निशान, उतना बढ़िया सीखा है आपका बच्चा। और ये क्या है? गलत का निशान। हाँ, ये है गलत का निशान और इसका मतलब है आपके बच्चे ने इस प्रश्न में कुछ गलती की होगी। और ये निशान जितना ज़्यादा होगा, आपको अपने बच्चे पे उतना ही ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन पूरे साल में हमारा बच्चा क्या क्या सीखा है, ये कैसे जानेंगे? बिल्कुल जानेंगे, उसके लिए भी हमारे पास कुछ साधन है। उनमें से एक है प्रगति पत्रक। इसके माध्यम से आप घर बैठे जान सकेंगे कि आपका बच्चा पूरे साल में क्या कुछ सीखा। देखिए, ये है 3 स्टार। इसका मतलब होता है सीख चुका है, आपका बच्चा सीख चुका है। और 2 स्टार का मतलब है बच्चा सीख रहा है। और 1 स्टार का मतलब अभी सीखने की आवश्यकता है। जी हाँ, ये तो बहुत आसान है। अब तो हम जैसे बिना पढ़े लिखे लोग भी अपने बच्चों की कॉपी आसानी से जांच कर पाएंगे। बिल्कुल जांच पाएंगे मनोज। हाँ मास्टर साहब, आपने तो बिल्कुल सही बात बताई थी। तो ठीक है, चलते हैं। आज जो आपने हमको बताया है वो हम सबको बताएंगे। आप क्या करेंगे? आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए bepclots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से e-lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।